जीत फिक्स। औकात तो सभी दिखाते हैं, किसी की छोटी होती है, किसी की बड़ी। कोई बड़ा करके दिखाता है, कोई छोटा करके। क्या होती है ये औकात? जब हम बोलते हैं कि आ गया ना तू अपनी औकात पे, तेरी औकात ही क्या है ऐसा करने की। अगर तुम्हें भी किसी ने अभी तक की लाइफ में तुम्हारी औकात दिखाने की कोशिश करी है तो मेरी बातें ध्यान से सुनना, क्योंकि जो हो गया वो तो हो गया। उसको जिस तरह से तुम याद करके तुम अपने अंदर ग्लानी या दुख महसूस कर रहे हो, उससे कुछ नहीं मिलने वाला। अगर याद करना चाहते हो तो इस तरह से याद करो कि तुम सचमुच अपनी औकात पर आ जाओ। इंसान कितना कुछ कर सकता है इसको साबित करने पर आ जाओ। तुम खुद कितना कुछ कर सकते हो इसको साबित करने पर आ जाओ। जब भी तुम्हें कोई तुम्हारी औकात दिखाए तो समझ लेना, अब तक की जिंदगी तुमने लोगों के झूठे विश्वास के आधार पर काटी थी, अपनी ताकत को, अपने जुनून को कम आंक कर काटी थी। तुम्हें लगता था कि मेरी जिंदगी सही चल रही है, लोग मुझे इसी तरह से सपोर्ट करते रहेंगे, लेकिन हकीकत अलग है मेरे दोस्त। आज की दुनिया में हमारे अधिकतर रिश्तों को एक रस्सी जोड़ के रखती है, और वो रस्सी है स्वार्थ की। जब किसी को लगने लगता है कि अब ये मेरे काम का नहीं, तो उसको वो अपने रास्ते का एक अवरोध समझ के उसको उसकी औकात दिखा देता है। तो क्यों ना तुम इस स्वार्थ वाली रस्सी को तोड़ मरोड़ के इससे हमेशा के लिए आजाद हो जाओ और निकल पड़ो एक ऐसे रास्ते पर जहां पर कोई इंसान नहीं है जो तुम्हारी औकात को ललकारेगा। उस रास्ते पर सिर्फ तुम रहोगे, और चूंकि तुम अकेले चलोगे तो तुम्हें लगेगा कि मेरे रास्ते पर मुश्किलें क्यों आ रही है, जबकि वो सिर्फ तुम्हारी चुनौतियों के अंधकार की वजह से होगा। अरे अंधेरा होने के बाद तो हम अपने घर में भी संभल के चलते हैं। तो ये तो तुम्हारी औकात को साबित करने वाला सफर है जो कि बिल्कुल नया है, लेकिन जैसे जैसे तुम अपनी मंजिल के लिए, अपने आप को साबित करने के लिए आगे बढ़ते जाओगे, वैसे वैसे वो अंधेरा रोशनी में तब्दील होता जाएगा। और एक वक्त ऐसा आएगा जब तुम्हें देखने के लिए पीछे मुड़ोगे कि देखता हूँ मैं अकेला चल के कितना दूर आ गया। तब तुम्हें अपने पीछे आता हुआ एक काफिला दिखाई देगा। किसका होगा वो काफिला? कौन होंगे वो लोग जो तुम्हारी सच्चाई और मेहनत के रास्ते पर चलते हुए कब से तुम्हारे पीछे आ रहे होंगे, क्योंकि तुमने तो सफर अकेले ही शुरू किया था। मेरे दोस्त, जब तुम्हें पीछे आती हुई इतनी भीड़ दिखाई दे तो समझ लेना, या तो तुमको जलाने या दफनाने ले जा रहे हैं, या फिर तुमने अपनी औकात साबित कर दी है। और ये जीते जी तब होगा जब तुम अपने लक्ष्य पर अड़िग रहोगे, जब हजारों मुश्किलों का जवाब तुम अपनी करोड़ों कोशिशों से दोगे, जब तुम हमेशा किसी से बिना मतलब लड़ झगड़ कर अपनी औकात साबित करने की बजाय सिर्फ और सिर्फ अपनी मंजिल के रास्ते पर ध्यान दोगे, जब तुम्हारे दिल का जुनून तुम्हारी भौतिक शरीर की जरूरतों से बड़ा होगा, जब तुम्हारा जोश तुम्हारी रातों की नींद से छेड़छाड़ करने लगेगा, जब तुम्हारे खून में बायोकेमिकल इंग्रेडिएंट्स की जगह तुम्हारा सपना एक मिसाइल से भी तेज गति से दौड़ेगा। ये दुनिया है मेरे दोस्त, यहाँ हर मोड़ पर लोग तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाएंगे, कुछ तुम्हारी असफलताओं पर हंसेंगे, कुछ तुम्हें रुलाएंगे, लेकिन तुम्हारे भी शरीर में उसी परमात्मा का अंश है जिसने इस दुनिया को रचा है। अगर ऊपर वाला इतना कर सकता है तो तुम अपनी जिंदगी को तो बदल ही सकते हो, तुम अपनी असली औकात पे आ सकते हो, तुम अकेले चलने की हिम्मत तो कर ही सकते हो। अरे एक बार मेहनत करना शुरू तो करो, फिर देखना तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाने वाले कैसे तुम्हारे काफिले का एक हिस्सा बनते हैं। और याद रखना मेरे दोस्त, सोचो तो ऐसा सोचो, करो तो ऐसा करो कि देश में तुम्हारा नहीं बल्कि इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में देश का नाम गर्व से ऊंचा हो जाए। जय हिंद, वंदे मातरम। Jeet Fix!